यदि आपको किसी भी साइज का रूम बनाना है तो सबसे पहले आप यही कैलकुलेट करोगे कि उस रूम को बनाने में टोटल कितनी हजार ईंटें लग जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि 10 बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितनी हजार ईंटें लगेंगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। यदि आपने कैलकुलेशन करना सीख लिया कि 10 बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितनी हजार ईंटें लगेंगी, तो आप दुनिया में किसी भी साइज के रूम को बनाने से पहले ही कैलकुलेट करके बता दोगे कि इस रूम को बनाने में इतनी हजार ईंटें लग जाएंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रूम आप बनाने वाले हो उसके दीवार की थिकनेस यानी कि मोटाई क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है और इस रूम के प्रत्येक दीवार की जो थिकनेस है यानी कि मोटाई है वो 9 इंच है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दीवार को जोड़ते समय कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाला लगाया जाता है। तो इस मसाले को जोड़ते समय मसाले की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर रखते हैं, बट 1 सेंटीमीटर को आपको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 सेंटीमीटर को जब आप इंच में कन्वर्ट करोगे तो 0.394 इंच आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको दीवार का एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है, इसमें टोटल 4 दीवारें हैं, ठीक है। तो पहली दीवार का हम एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको वॉल वन एरिया यानी कि पहली दीवार का एरिया निकाल लेना है। तो दीवार का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है कि दीवार की लंबाई इंटू दीवार की ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार की जो लंबाई है वो 10 फीट है, इसलिए हमने यहाँ पर 10 फीट लिखा, इंटू दीवार की जो ऊंचाई है वो भी 10 फीट है तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 फीट लिखा है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आएगा, यानी कि टोटल दीवार का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस रूम में टोटल 3 दीवारें और हैं, ठीक है, और सभी का साइज सेम टू सेम है, यानी कि 10 फीट बाई 10 फीट सभी का साइज है। तो एक एक करके हम दूसरी, तीसरी और चौथी दीवार का एरिया निकाल लेंगे। तो दूसरी दीवार का जो एरिया है दीवार की लंबाई इंटू दीवार की ऊंचाई, तो दोनों का गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आएगा। इसी तरीके से तीसरी दीवार का भी एरिया निकालने के बाद 100 स्क्वायर फीट आएगा और चौथी दीवार का एरिया निकालने के बाद भी 100 स्क्वायर फीट आएगा। तो यहाँ पर हमने चारों दीवारों का एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद टोटल हमें कर देना है, यानी कि चारों दीवारों का एरिया हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर यदि हम चारों दीवारों का एरिया जोड़ देंगे तो प्रत्येक दीवार का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट है और टोटल 4 दीवारें हैं, तो इसलिए यहाँ पर टोटल सभी दीवारों का जो एरिया है वो 400 स्क्वायर फीट हो गया, यानी कि 400 स्क्वायर फीट हो गया। तो सभी दीवारों का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डोर और विंडो यानी कि दरवाज़ा और खिड़की का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस रूम में एक दरवाज़ा है और एक खिड़की है। तो सबसे पहले डोर एरिया की बात करें तो यहाँ पर डोर का जो साइज है वो 3 फीट बाई 6 फीट है। 3 फीट इसकी ब्रिथ यानी कि चौड़ाई है और 6 फीट इसकी ऊँचाई है। तो दोनों का गुणा करने के बाद 18 स्क्वायर फीट आया, यानी कि 18 स्क्वायर फीट आ गया। इसी तरीके से इस रूम में एक विंडो है यानी कि एक खिड़की है, इस खिड़की का एरिया हमें निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर खिड़की का जो साइज है वो 4 फीट बाई 5 फीट है, तो 4 बाई 5 का हम गुणा कर लेंगे तो 20 स्क्वायर फीट आया, यानी कि इस विंडो का जो टोटल एरिया हुआ वो 20 स्क्वायर फीट हो गया। तो डोर का जो टोटल एरिया 18 फीट और विंडो का टोटल एरिया 20 फीट दोनों को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 38 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 स्क्वायर फीट के एरिए में ब्रिक यानी कि ईंट नहीं लगेगी, क्योंकि जहाँ पर दरवाज़ा खिड़की होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ईंट नहीं लगाई जाएगी, इसलिए ये एरिया हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको निकाल कर दिखाया था कि हमने सभी दीवार का एरिया निकाल लिया था, बट उसमें से जो दरवाज़ा और खिड़की है इसको माइनस नहीं किया था। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि हम ब्रिक वर्क एरिया यानी कि जितने एरिए में केवल ब्रिक लगनी है यानी कि ईंट लगनी है उसका एरिया निकालेंगे। तो रूम के जितने एरिए में ब्रिक लगनी है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, WA यानी कि वॉल का टोटल एरिया माइनस DWA। डी का मतलब डोर हो गया, W का मतलब विंडो हो गया। डोर और विंडो का एरिया हमें माइनस कर देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार के यानी कि सभी दीवार के जो रूम में चारों दीवारें हैं सभी का एरिया हमने 400 स्क्वायर फीट निकाला था, तो यहाँ पर हमने 400 लिख दिया माइनस DWA। DWA का मतलब हुआ डोर और विंडो का एरिया, तो यहाँ पर डोर और विंडो का एरिया हमने 38 स्क्वायर फीट निकाला था, तो 38 स्क्वायर फीट हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 362 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 362 स्क्वायर फीट के एरिया में ब्रिक लगेगी, ठीक है, क्योंकि दरवाज़ा और खिड़की जहाँ पर रहेगी वहाँ पर ईंट लगनी नहीं है, इसलिए दरवाज़ा और खिड़की के एरिया को माइनस करने के बाद हमें ये पता चल गया कि टोटल कितने एरिया में ईंट लगनी है। तो टोटल कितने एरिया में ईंट लगनी है यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल वैल्यू निकालना है।
वॉल का वैल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ब्रिक वॉल एरिया इंटू WT, WT का मतलब वॉल की थिकनेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ब्रिक वॉल एरिया निकाल रखा है, यानी कि जितने एरिया में ईंट लगेगी उसका एरिया है इंटू वॉल की थिकनेस। तो वॉल की थिकनेस हमने आपको पहले ही बताया था कि 9 इंच है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर WBA यानी कि ब्रिक वॉल एरिया 362 स्क्वायर फीट लिख लिया इंटू वॉल की थिकनेस। वॉल की थिकनेस 9 इंच है, तो इस 9 इंच को हम यहाँ पर लिखने से पहले फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किसी भी इंच की वैल्यू को यदि आपको फिट में कन्वर्ट करना है तो उसमें 12 यानी कि 12 से भाग दे देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच में 12 से भाग देने के बाद 0.75 फिट आया। तो हमने यहाँ पर 0.75 फिट लिख दिया। अब चलिए दोनों का गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल वॉल का वैल्यूम कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 271.5 क्यूबिक फीट आ गया। तो वॉल का वैल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्रिक का साइज निकालना है। तो चलिए हम आपको ब्रिक का साइज मापते हुए यहाँ पर लिखते चलते हैं। तो चलिए हम आपको मापकर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस ब्रिक की टोटल लंबाई 9 इंच है, तो हमने यहाँ पर 9 इंच लिख दिया। और ब्रिक की जो टोटल चौड़ाई है यानी कि ब्रिथ है वो 4.5 इंच है, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4.5 इंच लिख लिया। और ब्रिक की जो टोटल थिकनेस है वो 2.68 इंच है, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ब्रिक का साइज मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ब्रिक साइज विथ मोर्टार यानी कि ईंट का साइज हमें मोर्टार के साथ लिखना है। मतलब ईंट को जोड़ते समय कुछ इस तरीके से ईंट में जो मसाला लगाते हैं मसाले के साथ ईंट की क्या मोटाई होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो ईंट को जोड़ते समय कुछ इस तरीके से जो मसाला लगाते हैं इस मसाले की जो मोटाई होती है वो 1 सेंटीमीटर रखी जाती है, और 1 सेंटीमीटर को जब आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.394 इंच आएगा। तो मसाले के साथ ईंट की मोटाई क्या होगी यानी कि मोर्टार के साथ ईंट की मोटाई क्या होगी यह पता करने के लिए हम ईंट की लेंथ ब्रिथ और थिकनेस यानी कि लंबाई चौड़ाई और मोटाई में मोर्टार यानी कि मसाले की थिकनेस को ऐड कर देंगे। तो मसाले की थिकनेस हमने आपको पहले ही बताई 0.394 इंच है, ठीक है। तो चलिए ईंट के साइज में हम मसाले की थिकनेस को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ईंट का साइज जो है वो 9 इंच है प्लस मसाले का जो थिकनेस है वो 0.394 है। तो आप देख सकते हैं कि ईंट के साथ मसाले की थिकनेस को जोड़ने पे आप देख सकते हैं कि ईंट की जो टोटल लंबाई हो गई वो 9.394 इंच हो गई। इसी तरीके से ईंट की जो ब्रिथ है यानी कि चौड़ाई है वो 4.5 है प्लस मसाले की जो थिकनेस है वो 0.394 है। तो दोनों को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4.894 इंच आ गया। इसी तरीके से ईंट की जो थिकनेस है वो 2.68 इंच है प्लस मसाले की थिकनेस में आपको ऐड करना है। तो मसाले की थिकनेस ऐड करने के बाद 0.394 इंच आ गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि ईंट के साथ मसाला जब जुड़ेगा उसकी टोटल थिकनेस 3.974 इंच हो जाएगी। तो इन तीनों का हमें आपस में गुणा करके मसाले के साथ यानी कि मोर्टार के साथ हमें एक ईंट का आयतन निकाल लेना है। तो तीनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 141.325 क्यूबिक इंच आ गया। तो क्यूबिक इंच में निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इस वैल्यू को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यूबिक इंच को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है कि क्यूबिक इंच डिवाइड बाई 1728 यानी कि क्यूबिक इंच में आप 1728 से भाग दे देंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्यूबिक इंच आप देख सकते हैं कि हमने 141.325 क्यूबिक इंच निकाल रखा है जो कि एक ब्रिक का मोर्टार सहित वैल्यूम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यूम लिख लिया डिवाइड बाई 1728 कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.0818 क्यूबिक फीट आ गया जो कि एक ईंट का मोर्टार सहित यानी कि ईंट का मसाले सहित वैल्यूम है, ठीक है। एक ईंट का मसाले सहित वैल्यूम है। तो एक ईंट का मसाले सहित वैल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का एक फॉर्मूला होता है WV यानी कि टोटल वॉल का वैल्यूम डिवाइड बाई 1BB यानी कि 1 ब्रिक का वैल्यूम।
तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम सभी वैल्यू को रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 10 बाई 10 फीट के रूम को बनाने में कितनी हज़ार ईंटें लग जाएंगी। तो सबसे पहले WVB यानी कि वाल का वैल्यूम, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वाल का वैल्यूम आपको निकाल के दिखाया था जो कि 271.5 क्यूबिक फीट आया था, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। डिवाइड बाई 1BV यानी कि एक ब्रिक का वैल्यूम, तो 1 ब्रिक का वैल्यूम आप देख सकते हैं कि मोर्टार सहित हमने यहाँ पर निकाला है जो कि 0.0818 क्यूबिक फीट आया। तो चलिए इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 10 बाई 10 फीट के रूम को बनाने में कितनी हज़ार ईंटें लग जाएंगी। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 3319 ईंटें लग गई। बट आप देख सकते हैं कि ईंट को जोड़ते समय ईंट को तोड़ तोड़ कर जोड़ा जाता है और इसके साथ साथ ईंट को लाते समय कुछ ईंटें टूट जाती हैं जिसका उपयोग नहीं हो पाता, और इसके साथ साथ कुछ ईंटों की जो डायमेंशन होती है यानी कि उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ छोटी होती है, ऐसे में जितनी ईंट की हमें ज़रूरत है उससे 10% ईंट आप ज़्यादा खरीदेंगे तभी आपका वर्क पूरा होगा और वर्क पूरा होने में ईंट की कमी नहीं होगी। तो ऐसे में कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया है कि 10 बाई 10 फीट के रूम को बनाने में चारों दीवारों में 3319 ईंटें लग जाएंगी। तो इसका 10% हमें ज़्यादा ईंट खरीदना है, तो 10% हम जब ज़्यादा ईंट खरीद लेंगे तो हमारी सारी ज़रूरत उसी में पूरी हो जाएगी और कुछ ईंट बच भी जाएगी। तो इसका 10% निकालने के लिए सिंपली जितनी ईंट आई उसके सामने आप 10 से गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। तो 10 से गुणा करने के बाद 100 से हमने भाग दे दिया तो आप देख सकते हैं कि 331 आया, प्लस जितनी ईंटें कैलकुलेट करने पे आई थी उसको आप जोड़ देंगे तो टोटल आप देख सकते हैं कि 3319 ईंटें आई थी, तो इसको हम जोड़ देंगे 3319, तो आप देख सकते हैं कि 3650 ईंटें आ गई। तो यदि आप 3650 ईंटें खरीद लेंगे तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम को बनाने के लिए ये पर्याप्त होंगे, यानी कि रूम बनकर तैयार भी हो जाएगा और 10-15 ईंटें बच भी जाएंगी। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी रूम में कितनी ईंटें लगेंगी, इसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।